दोस्तों यहाँ पे डाक विभाग में आपके बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आ चुकी है। ऑल इंडिया लेवल की अगर हम बात करें तो 15,800 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी के आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आवेदन ज़रूर कीजिएगा। 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी के बारे में सारी अपडेट आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों अप्लाई का पूरा प्रोसेस भी आपको बताऊँगा, तो वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों भारतीय डाक विभाग में आपकी बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आ चुकी है। वैकेंसी के आपके ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने मेंशन कर दी है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई आपके यहाँ पे जो आवेदन के जो फॉर्म स्टार्ट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उसको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी अपडेट दे देते हैं। इसमें वैकेंसी और इसकी रिजर्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। पोस्ट मास्टर की आपकी वैकेंसी निकल चुकी है, जिसमें आप यूआर कैंडिडेट्स के लिए 1244 वैकेंसीज रहेगी। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1070 वैकेंसीज रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 311 वैकेंसीज रहने वाली है। एससी की 509 और एसटी की 327 वैकेंसीज। एक्स सर्विसमैन की आपके यहाँ पे 43 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा शॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों पे भी आपकी वैकेंसी निकल चुकी है और डाक सेवक के पदों पे आपकी वैकेंसी निकल चुकी है। ऑल इंडिया लेवल की अगर हम बात करें तो 15,800 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है जीडीएस की। आवेदन जरूर कीजिएगा, काफी अच्छी वैकेंसी है। दोस्तों अप्लाई करते टाइम आपको यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यूज में लेना है, क्योंकि बाद में यही आपका काम आएगा। आपको जो यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा इसी के थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एज लिमिट का क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल का रहेगा, मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी लागू होने वाला है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आवेदन ज़रूर कीजिएगा। इस वैकेंसी में जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है उसमें यहाँ पे यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मात्र 100 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। वहीं एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। पेमेंट मोड आपका यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे दो पार्ट्स में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन और डिटेल रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल, इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर के मेल या एसएमएस के थ्रू आएगा वापस से लॉगिन आपको करना है। फिर आपको अपनी बाकी की अदर डिटेल जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, वर्क एक्सपीरियंस, इसके अलावा आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर सारे अपलोड करने पड़ेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी आपको www.epipost.in आपकी रहने वाली है। इस पर जाकर के आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, और अगर कोई ट्रांसजेंडर अप्लाई करता तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10वीं पास और 12वीं पास रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरा डिटेल में जानने के लिए। दोस्तों अप्लाई डेट के अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट आपके यहाँ पे 20 जून थी और लास्ट डेट आपके अप्लाई करने की 20 जुलाई रहने वाली है। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।